हेलो गाइस, शाइना के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे शो का नाम है गपशप विद शाइना, जिसके स्पेशल गेस्ट आज आपके सामने हैं। बहुत ही खूबसूरत बोल्ड इंडस्ट्री के ये जॉनी सिंस कहलाए जाते हैं। और तो वेलकम कीजिए हमारे जॉनी सिंस, ब्रैकेट में हम कह देंगे शेक्सपियर। नमस्कार, वेलकम। थैंक यू, व्हाट अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और आपने अभी इतनी सारी बोल्ड सीरीज करी है लड़कियों के साथ, आंटियों के साथ भी करी होगी ऑब्वियसली, है ना? लड़कों नहीं, आंटी तो मस्ट है ना, क्योंकि वो एक तो रहेगी कैरेक्टर में, तो मस्ट है। तो आपने कभी मतलब ऐसा हुआ है कि आपके को एक्टर मैं इसके साथ नहीं सीन करने वाली, या आपको कभी एटीट्यूड आ गया उसमें, या लड़ाई हो गई हो आपके बीच? ऐसा लड़ाई हुआ है। अच्छा, एक एक्ट्रेस के साथ, बट सीन तो मैं कर लेता हूँ, मैं कभी किसी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं कर सकता। सो आपने ऐसे गुस्सा निकालने के लिए सीन किया होगा ना? नहीं, ठीक है। नहीं, सीन में, और उन्होंने क्या किया गुस्से में, उन्होंने पूरे सीन में मुझे कवर कर दिया। अच्छा, बालों से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे कवर कर लो, नाम है उनका। हाँ, तो कवर कर लो, मैं दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं से। और आप तो मतलब वो आपको ही लोग देखना चाहेंगे जरूर। तो हुआ है, झगड़े नहीं हुए, एक ही बार ऐसा हुआ, एक ही बार एक एक्ट्रेस के साथ थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि मैंने बोला ऐसे किस्मत करो, वो आई थिंक वो उनका स्टाइल है, मैं समझ नहीं पाया। तो हमारे दांत से दांत ना टकरा रहे थे। जैसे मेरा क्या होता है, पहले आपने होठ बंद है, आप ऐसे आए, फिर होठ खुले, आपने नीचे वाला पकड़ा या ऊपर वाला पकड़ा, वहां पे चला, उन्होंने फिर दांत खोल के जब किस करते तो दांत से दांत दो तीन बार टकराया। तो मैंने बोला दूध किस था? हाँ, तो मैंने बोला कि ऐसा करते ना। तो वो बोली अच्छा आप मुझे बताओगे? मैंने बोला नहीं। अच्छा, ऐसे मतलब वो गुस्सा हो गई? हाँ, मैंने बोला दिस इज सजेशन। हाँ हाँ, तुम हो गए बहुत बड़े। ऐसे काफी सारे एक्टर हैं, मेरे भी को-एक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर उन्हें बताने लगते ना कम्फर्ट जोन में लाने के लिए कि आप ऐसे कर लो, ऐसे पक करेंगे तो नहीं आएगा ऐसा कुछ, तो अच्छा मुझे सिखाओगे? मैंने इतनी सीरीज कर ली है, मैंने उतनी सीरीज कर ली है। तो वो और सबके सामने हम जंगल में शूट कर रहे थे, जंगल में पूरा, इट वाज लिटरली अ जंगल, और पूरा पानी था, बट बहस हो गया। और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ होता है ना आर्ग्यूमेंट में, अच्छा टॉपिक चला गया, वो नाराज हो गई। पर बाद में हमने किया, हम बाद में मिले और बाद में हमने और भी काम किया। ओके, वो एक ही बार ऐसा हुआ। ओके, एक ही बार हुआ, एक ही बार। कभी को एक्टर मेल से लड़ाई हुई हो कोई? नहीं, कभी नहीं लड़ाई तो नहीं। अगर लड़कियों के साथ तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो आपको पसंद करती हूँ ऑब्वियसली। लड़कियां भी कुछ कुछ पसंद करते हैं, मैं कह रही हूँ। हाँ, करते हैं। कई लड़कों ने मुझे बहुत कुछ पूछा, पर मैं जैसे ऑडियंस का मेरे को जैसे थ्रीसम सीन हो रहा है ना, वो लड़का के थोड़ा हाथ पास लगा लेते हैं। अब मैं अगर मैंने चेहरा ऐसे किया तो पूरा सीन कट हो जाएगा, मुझे शुरू से करना पड़ेगा, वो फिर से हाथ लगाएगा, तो जल करने दे मुझे। मेरा हमारी ऑडियंस के सवाल देखो कैसे हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे ही विल हैव सेक्स? अब दिन में कितनी बार मतलब सेक्स कर लेते हैं? एक बार मैंने 6 बार किया था मैक्सिमम, गैप में, विद गैप्स, नॉट कंटिन्यूस, विद गैप्स। और सो 24 आवर एंड 12 आवर्स आई थिंक हमने शूटिंग ही था। ओके, शूटिंग। तो हमने आई थिंक डिनर के बाद स्टार्ट किया, सुबह 6 बजे खत्म हुआ डिनर, मतलब पकड़ लो 7-8 बजे से हमने स्टार्ट किया हुआ प्रॉपर। 12 आवर्स आपकी फेवरेट को एक्टर कौन है? जो मेरे फेवरेट से आधियों के साथ मेरा बातचीत बंद है। Okay. तो उनका नाम तो ले नहीं सकता। सो एक फर्स्ट में ले दो आप कोई एक हो। देखो ड्रामा सीन्स मैंने तुम्हारे साथ किए, चोर जो हम कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शाइना ने बहुत जल्दी, डायरेक्टर जो बोल रहे फटाफट पकड़ रही थी, और बार बार कुछ क्वेश्चन नहीं कर रही थी, ओके सर करके शी वाज डिलीविंग। सो एज एन एक्ट्रेस, एज अ ड्रामा में तो आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। ये जरूरी नहीं है कि मैं स्क्रीन पे हूँ तो आपको मेरी तारीफ करनी है, क्योंकि मेरा फ्रेश काम है वो, अभी अभी देख रहा था उसका क्लिप। ओके, और जैसे पीहू कनौजिया के साथ मैंने बहुत काम किया। वो बहुत ही प्यारी लड़की है। हाँ, पीहू के साथ एक अलग ही मेरा बॉन्डिंग था, हमने बहुत ट्रैवल किया, ऑफ कैमरा भी बहुत घूमते थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा। वो लड़की है भी बड़ी अच्छी, उसे जो कह दो वो कर लेती है। वो एकदम मेरे साथ भी इसका सेम था, मैंने कहा ये मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, कह रही कोई बात नहीं चाहिए ना, मैं कर लूंगी, मैं एकदम कर लूंगी। लव्स इट। वो एक ऐसी एक्ट्रेस जो पता नहीं अभी कर रही है नहीं कर रही है, बट शी यूज्ड टू एंजॉय हर वर्क। और वो बहुत अपने आप को मेंटेन करती थी, क्योंकि कल शूट पे जाना है। वैसे राजसी है, राजसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड है। मैंने सपना सप्पू के साथ काम किया था, उन्होंने अपने प्रोडक्शन में मुझे लिया था, शी वॉज वेरी गुड। फिर मैंने जोया के साथ काम किया है, सारी एक्ट्रेसेस आई वुड से,
भारती जा के साथ बहुत अच्छा रहा। भारती के साथ इनफैक्ट मेरा बर्थडे का केक कटा 12 बजे और हमारा बोल सीन स्टार्ट। शी वॉज लिटरली लाइक माई बर्थडे गिफ्ट बहुत टाइम पहले, दो साल नहीं, इट वॉज जस्ट 22 और 23 की बात होगी, 22 क्योंकि मैंने 2 साल गैप ले लिया था। मैंने फिर 22 एंड से काम स्टार्ट किया नवंबर ऑनवर्ड्स। ओके, तो हमारी ऑडियंस का एक और क्वेश्चन है कि आपने फर्स्ट टाइम कब सेक्स किया था या वर्जिनिटी का लाइक दैट की कब वर्जिनिटी तो यार आई थिंक मैं क्वेश्चन है 17 साल का था, आई थिंक 17 बहुत जल्दी नहीं मतलब आई थिंक आई वॉज वेरी सेक्शुअली एक्टिव, लाइक मैं बहुत जैसे इंटरनेट पे चीज़ें देखता था, वो क्यूरियोसिटी था और मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था। okay. तो जैसे दोस्तों के साथ ही मैं बात नहीं कर पाता था, इंट्रोवर्टेड और मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो आई हैव टू मेंटेन अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यू नो लाइक डिसिप्लिन, लड़का है प्रोफेसर का बेटा है, माई फादर वॉज द HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट हमारे भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा का नंबर वन कॉलेज है BJB कॉलेज, तो आई हैव टू बी लाइक क्लास है यस सर, तो आई वॉज वेरी बॉटल्ड अप मतलब अंदर था। फिर मैं एक फंक्शन में गया था, वहाँ पे एक एक्ट्रेस थी जिसका शो था, उसका मेरा वहाँ से थोड़ा नैन मटका स्टार्ट हुआ आई थिंक, छत पे किया था। एज आपने बताई कि 17-18 का होगा। okay. हमारी ऑडियंस आपसे पूछती है कि आप जो क्या ऐसा खाते हैं क्या पीते हैं ऐसा कि आपका सेक्स में इतना स्टेमिना है। एक तो मूड बनाने के लिए ऑनेस्टली मैं बताऊं मैं सिगरेट नहीं पीता, आई डोंट डू टबैको, नो ड्रग्स, अल्कोहल बहुत रेयरली, जैसे न्यू ईयर्स है या बर्थडे है साल में 1-2 बार मैक्स। मैं तो पार्टीज में जाता हूँ, मुझे फोर्स करते हैं मतलब लिटरली मेरे मुंह में दारू देते हैं, मैं क्या करता हूँ ना फिर उनको खुश करने के लिए वोडका उठा लेता हूँ, पानी मिक्स करता हूँ, उसी को लेके घूमता हूँ, फिर बाथरूम में जाके फेंक देता हूँ, फिर टैप वाटर भर के चीयर्स गाइज, क्योंकि आई नो हैव टू मेंटेन, दारू से मूड बनता है ऑफ कोर्स। खाना मैं बहुत जैसे वेजिटेरियन नॉनवेज सब खाता हूँ कम तेल में, और मैं बहुत नट्स खाता हूँ जैसे खजूर अंजीर टाइप्स, रोज मेरा डाइट बहुत हेल्दी है, हर्ब्स बहुत खाता हूँ, गार्लिक इज वेरी गुड फॉर सेक्स, अदरक एंड आयुर्वेदिक जैसे शिलाजीत ये सब लेता हूँ, बट नॉट रेगुलरली, दिमाग में रहता है। हमारी ऑडियंस अदरक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट खाना ना शुरू कर, कड़ी पत्ता ये भी जीरा जीरा से आपको अच्छा स्पर्म काउंट बढ़ता है। ओके, मैं रिसर्च भी हूँ ना, सेक्स स्कॉलर हूँ मैं, ये सब मैं रिसर्च करता हूँ क्योंकि आपको ये कौन देगा ट्रेनिंग, मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ, खुद को बनाना पड़ता है ना। आज रात को डेट है, आज भी है, ओह माय गॉड, मतलब लड़कियां आपसे बहुत खुश होती होंगी। और जैसे वर्कआउट्स मतलब खुश करने के लिए वर्कआउट जैसे HIIT वर्कआउट होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपका ऐसे हार्ट बीट ऊपर गया फिर ब्रेक, फिर तो उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है अच्छा। ओके, और जैसे बहुत वर्कआउट्स है जमीन पे, वेट लिफ्टिंग सब है, तो यूजुअली लोअर बॉडी स्क्वाट्स डेडलिफ्ट्स लाइट वेट्स ही सही, आई डोंट डू हैवी बट कंसिस्टेंसी में रखता हूँ। कितनी लड़कियों के साथ आज तक कर लिया होगा? मेरी ऑडियंस की डिमांड है। मैं ना शॉक्ड हूँ, शाइना जिसको सेट पे हमने हाय हेलो हाउ आर यू बाय, और लास्ट टाइम ने बाय भी नहीं बोला, आज हम इतने ओपन बातें कर रहे हैं। नहीं, आई एम सो सॉरी बट ऑडियंस है ना। डोंट सॉरी, आई एम लविंग इट। बाय बॉडी काउंट तो वैसा देखो 200-300 फिल्में की है, ठीक है, हर सेट पे आपको पता है दो दो एक्ट्रेसेस तो होती है, वैसा देखा जाए तो तो काउंटेबल नहीं है। आई डोंट नो, एक टाइम था मैं 200 तक पहुंचा था, फिर आई थिंक आई हैव जस्ट लॉस्ट इट। सो मतलब होता है ना कोई किसी को एड्स वगैरह हो जाता है, वो ठीक है। कोइंसिडेंटली आई एम बोर्न ऑन वर्ल्ड एड्स डे December 1। ओके, पाब्लो एस्कोबार और मेरा सेम बर्थडे है एंड वर्ल्ड एड्स डे है, तो आई एम एक्स्ट्रा केयरफुल। अभी भी मेरे बैग में 2 कंडोम्स हैं, तो आई एम ऑलवेज कैरिंग अ ल्यूब, अभी दिखा सकता हूं गाइस, मैं अभी दिसंबर से हूं, ये 1st और ये 7th दिसंबर, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। शी इज अ फीमेल ना, मैं बॉयज की बात, अब देख लो जितने भी सारे सेक्स सिंबल्स हैं दुनिया में सब सैजिटेरियस रहे हैं, वैसे है राखी सावंत, मेरे ख्याल से दिसंबर, ब्रिटनी स्पियर्स, धर्मेंद्र, ब्रैड पिट वर्ल्ड्स मोस्ट गुड लुकिंग गाय, डिनो मोरिया, जॉन इब्राहिम, धर्मेंद्र, सचिन तेंदुलकर, सॉरी मैं तो जॉनी सिंस का बर्थडे पता करती हूँ कब है, पाब्लो एस्कोबार और सिल्क स्मिता December 2। ये जिनके भी नाम ले रहे हैं मेरे को कुछ नहीं पता इनके बारे में, सब सेक्स सिंबल्स हैं।
तो शाइना खत्री हाँ, मेरे को मेरे बारे में पता है, अभी बोल्ड इंडस्ट्री तक ही पहुंची, वन कट तक नहीं पहुंची, देखती हूँ कौन कौन है इसमें ओके मेरी ऑडियंस का ऐसा सा सवाल है, जिस पे डर्टी पिक्चर मूवी बनी थी ना विद्या बालन की, ओरिजिनल जो सिल्क स्मिता थी, जो उलाला गाना देखा, जो ओरिजिनल, पर वो एक स्टोरी थी ना एक एक्ट्रेस की, सिल्क स्मिता की स्टोरी थी वो। अच्छा अच्छा, वो किसी की स्टोरी पे बनी हुई है, तो वो भी सिल्क स्मिता। तो ऐसे बहुत है, मैं तो आपको निकी मिनाज बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत लिस्ट, मैं तो ऐसे क्वेश्चन कर भी नहीं सकती, जैसा ऑडियंस का आया, उन्होंने कुछ पूछा है कि कुछ बड़ा क्या मोटा, साइज की भी डिमांड आई है कि आप साइज बता देंगे, ये आप गूगल कर लो, ये आप पिक्चर के साथ मिल जाएगा। पर ये कैमरामैन पे भी होता है, कुछ कैमरामैन अच्छे से दिखाते हैं, कुछ कैमरामैन को अजीब तरीके से दिखाते हैं, तो नहीं, तो इंच काउंट नहीं होता ना, मे बी लड़कियां और अट्रैक्ट होंगी। ऑनेस्टली मैंने कभी स्केल से नापा नहीं, ऑनेस्टली स्केल से नापते हैं इसको, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको एक हिंट दे दीजिए, लड़कियों ने तो देखा होगा, उनको पता ही होगा, लड़कियों को पता होता है कि हाँ इतना तो होगा इसका, कभी कभी लगता है बहुत बड़ा है, कभी कभी लगता है अरे मैं बात नहीं कर रही, क्वेश्चन पूछ रही हूं, तो ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई कांट से ओके, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा मिस्ट्री छोड़ देता हूं, मेरा नाम मारेंगे सब आएगा। अच्छा, फिर ऐसा कीजिए, आप इन्हें पर्सनल मीट पे बुलाइए, आप खुद देख लो, भेज दूंगा इंस्टा पे आपको फोटो मिल जाएगी, राइट? आप कोई ऐप चलाते हैं? मेरा कोई ऐप नहीं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे हूं, मैं कभी प्रोड्यूसर नहीं बना, मैंने कभी कंटेंट बनाया नहीं, मैंने सिर्फ काम किया है एज एन एक्टर, एज ए स्टार, मैंने कभी भी बनाया नहीं कुछ भी। ओके, वेरी गुड, वैसे तो मैं सब बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन बोल